गाइज वेलकम बैक टू व्लॉगिंग देसी। मैं हूँ अभिलाषा और आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और एकदम मज़े में होंगे, सेफ होंगे अपने घर में। अभी हम जा रहे हैं कार वॉश के लिए और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ कैसे कार वॉश करते हैं। एक्चुअली यहाँ सारे काम मोस्टली खुद ही करने पड़ते हैं, जैसे कि पेट्रोल खुद ही भरना होता है। यहाँ पे अपना इंडिया जैसा नहीं है कि यू गो एंड समवन इज फिलिंग द पेट्रोल। कम्युनिटी में ही कार वॉश के लिए, और कुछ कम्युनिटीज़ में ये फैसिलिटी होती है, दे प्रोवाइड कार वॉश विद इन द कम्युनिटी, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है विद द पैकेज जो आपका रेंट होता है उसमें ही। एक्चुअली दिन में आना था पर मैं आज खाना खाने के बाद में आई टुक अ 2 hours नैप, इसलिए शायद मेरी आंखों के नीचे स्वेलिंग भी बहुत आ गई। आई थिंक मे बी बिकॉज आई हैड पूरा 2 hours का मैं सो चुकी हूँ। और कार वॉश यूजुअली वैसे तो हम बाहर कराते हैं, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक कार वॉश वाले बहुत सारे फैसिलिटीज़ रहते हैं जो $4 to $10 के बीच में ईजिली यू कैन गेट। उसमें आप कार वॉश कर सकते हो, वैक्यूम भी रहता है, वैक्यूम भी कर सकते हैं उसमें। एक्चुअली ऑटोमेटिक कार वॉश होता है और ऑटोमेटिक कार वॉश में आने को आता है बहुत मज़ा क्योंकि वो आपको बस कार में ही बैठे रहना होता है एंड योर कार विल मूव। और मतलब मैं आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू व्हेन एवर वी विल गो। अभी तो ज़्यादा कार कहीं मूव ही नहीं हो रही है क्योंकि वी आर जस्ट नॉट गोइंग एनी वेयर। स्कूल और ऑफिस जब रहता है तो बहुत ज़्यादा यू नो कार ट्रैवल होता है, तो इस वजह से उस टाइम पे कार गंदी भी बहुत जल्दी होती है और ब्लैक कलर है तो फटाफट से गंदा दिखता भी है। तो इसीलिए अभी तो हम ये कम्युनिटी में ही कार वॉश कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। वो वाला कार वॉश मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये है वैक्यूम मशीन और इससे बाद में वैक्यूम करते हैं सीट के नीचे और सीट शिफ्ट करने के। यहाँ बहुत छिपकली होती है फ्लोरिडा में, एक्चुअली फ्लोरिडा इज़ नोन फॉर दी स्मॉल कीड़े मकोड़े। और पहले शुरुआत में मुझे बहुत डर लगता था यहाँ पे वॉक करने में, बाहर जाने में। मतलब मैं घास पे चल रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, आई नेवर यूज़ टू वॉक ऑन द ग्रास, मतलब घास से बहुत दूर दूर चलती थी मैं। लेकिन हाँ अभी ठीक है, अभी रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया तो एक हैबिट हो गई है छिपकलियों से जूझने की भी। बहुत सारे यहाँ पे स्नेक्स भी हैं बट मैंने हाँ देखा भी है 2-3 times एक्चुअली लाइव स्नेक। बट ये है कि हाँ अभी मैं थोड़ा सा हो गई हूँ ब्रेव, नहीं तो मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मैं कहीं पैदल बाहर नहीं जा सकती थी, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं से भी मैं वॉक करूँगी और लिटरली छिपकली ऐसे रोड क्रॉस करती है, मतलब इन द सेंस जो वॉक वे होता है वहाँ से यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, मतलब ऐसे चलती रहेंगी यहाँ से वहाँ। तो बहुत सीरियसली बहुत एडवेंचरस लगता था वो छिपकलियों के बीच में चलना। बट फ्लोरिडा इज़ नोन फॉर एलिगेटर्स, फॉर लिजर्ड्स, फॉर अदर रेप्टाइल्स। तो ठीक है, अब हैबिट हो गई है। Thank you.
मौसम बहुत अच्छा है, एकदम अच्छी सी हवा चल रही है और बहुत प्लेजेंट लगता है इस टाइम पे। ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा गर्मी है। यूजुअली सनसेट अभी जो हो रहा है वो अराउंड 7:30-8 o'clock के आसपास होता है, थोड़ा लेट होता है, तब तक काफ़ी उजाला रहता है। और बस वैसे तो हम लोग वॉक पे जाते हैं शाम को यहीं कम्युनिटी के बाहर थोड़ा सा, लेकिन आज नहीं गए। आज और पापा बिजी हैं कार वॉश में, मैं कर रही हूँ आप सब लोगों से बात। और ये आ गया अने। अब अने भी घास पे आराम से वॉक कर लेता है पहले वॉक नहीं करता था, दूर ही रहता था। एंड समटाइम्स यूज टू कम इन माय लैप के नहीं मुझे वॉक नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी छिपकलियाँ हैं, पर अभी आराम से भाग लेता है, दौड़ लेता है, इतना थोड़ा डर नहीं है, ख़त्म हो गया डर हमारा, राइट अने? और अने को बस कार से खेलने का ही शौक नहीं है, अने को कार में बहुत इंटरेस्ट है। उसे सारे कार्स के लोगोस पता है, सबके उसको मेक्स पता है, ब्रांड्स पता है, ही नोज़ एवरीथिंग। और वो सब पहले उसका स्टार्टिंग में जब लाइन से वो कार्स देखा था तो वाइल वॉकिंग व्हेन वी यूज़ टू गो फॉर वॉक्स तो वो बताता था दिस इज़ दिस कार, दिस इज़ दिस कार, ही यूज़ टू जस्ट कीप ऑन सेइंग। और अभी सारे उसको मतलब बहुत इंटरेस्ट है, आई थिंक मुझे लगता है सारे बच्चों को अभी कार्स में ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अने के तो कुछ ज़्यादा ही, इसके पास टॉय कार्स भी बहुत सारी हैं। हम आ गए हैं वापस और आने के बाद में नहा धो के हो गए हैं रेडी, शाम की आरती हो गई। और ये जो पूजा करने के बाद में जो धूप की जो खुशबू आती है ना पूरे घर में महक जाती है, वो बहुत अच्छी होती है, मज़ेदार एकदम, मतलब अच्छा लगता है वो खुशबू से ही। और हमारा डिनर हो गया है रेडी, सो दिस इज़ आर डिनर। और हमने इसमें काफ़ी सारी वेजीज और स्प्राउट्स ये सब कुछ ऐड करके हमने थोड़ा सा हेल्दी वर्जन ऑफ डिनर बनाया इसके साथ में हम चपाती तो नहीं खाएंगे, इट्स जस्ट दिस और मे बी थोड़ा सा सॉल्टेड पनीर। और अने के लिए होगा चीज़ पराठा, राइट अने? यस ओके, सो फॉर अने इट विल बी चीज़ पराठा। Skip it. Why? How you will run? You can ask me or Papa, right? Dance, I think. Let me see. Distance? Distance. You should just break the words. D I S. Okay, got it. 1 year on Mercury is a planet. Where? Earth. Mercury is the closest. C-L-O, clo. और मैं अच्छा सा थोड़ा सा मेकओवर करने वाली हूँ अपने घर का कुछ। यहाँ पे क्या है ना, आप देखो रेंटेड अपार्टमेंट में ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ पेंट वेंट नहीं कर सकते। और यहाँ मोस्टली जो घर होते हैं या तो ऑफ वाइट पेंट होता है या लाइट ग्रे पेंट होता है या वाइट पेंट होता है, तो दिस इज़ हाउ द वॉल्स आर पेंटेड हियर। बस उसमें आप थोड़ा सा वही कर सकते हैं, कलरफुल आप कुछ वॉल हैंगर्स डाल सकते हैं या आप कुछ पेंटिंग्स लगा सकते हैं या कुछ वॉल डेकोर कर सकते हैं, मतलब उसमें आप कुछ बड़े बड़े जो पेंटिंग्स या वॉल डेकोर्स होते हैं वो लगा सकते हैं। तो ऐसी या कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी आई एम ऑन अ मिशन टू मेक ओवर माय होम और मैं धीरे धीरे करके आपके साथ चीज़ें शेयर करती जाऊँगी एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। टुमारो मीन्स इस ब्लॉग के बाद में जो अगला ब्लॉग आएगा मे बी मैं उसमें आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखिए। बस हम डिनर करते हैं फिर पे गुड नाइट टाइम आफ्टर रीडिंग बुक्स। अने को कुछ बुक्स पढ़ाएंगे, मैं थोड़ा किचन क्लीनिंग करूँगी, कल सुबह के लिए क्या बनना है उसकी प्लानिंग, वो सबसे बड़ी प्लानिंग होती है एक्चुअली।
क्योंकि सुबह क्या बनाना है, फिर लंच में क्या बनाना है. और अभी तो फिर भी ठीक है बिकॉज यू आर एट होम, तो ठीक है चलो यू विल गेट सम टाइम फॉर यू नो प्लानिंग द डे. ठीक है मॉर्निंग में आपने सोचा ये बनाना है, इतनी कोई हड़बड़ नहीं है, कोई जल्दी नहीं है. पर जब ऑफिस जब ऑफिस और स्कूल होता है तब आपको एक दिन पहले पूरी प्लानिंग करनी होती है. आई एम सॉरी, ये मेरी वॉशिंग मशीन है, देयर इज सम प्रॉब्लम, मुझे कॉल करना है, सर्विस रिक्वेस्ट डालनी है. बट हम खुद ही अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि कोई भी बाहर से आएगा. फिर भी दो तीन बार ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें हैं वो सर्विस रिक्वेस्ट, मतलब कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपके अपार्टमेंट में यहाँ, तो आपको बस एक सर्विस रिक्वेस्ट रेज करनी होती है विच इज़ टू द लीजिंग ऑफिस, जो यहाँ का लीजिंग जो ऑफिस होता है वहाँ आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट रेज करनी होती है और वो आके उसको फिक्स कर देते हैं. तो वही करना पड़ेगा फाइनली. तो चलिए अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड. आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय. कीप मेकिंग मेमोरीज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाय. होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड यस स्टे कनेक्टेड बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड उसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे.